अभी से तब उसी दिन से शुरू है कि ये बात सुनकर कि उसकी मृत्यु होने वाली है, उसके स्वभाव में थोड़ा चेंज आने लगता है और वह फिर रोज सबसे प्रेम से बातें करने लगता है और कभी किसी पर क्रोधित भी नहीं होता। इस तरह से वो पूरी तरह से बदल जाता है और अब गुरु जी की भविष्यवाणी का आखिरी दिन आ जाता है। 7 दिन पूरे होने के होते हैं तो वह सोचता है आज मेरे जीवन का आखिरी दिन है, क्यों ना मैं अपने शिष्य का क्यों ना मैं अपने गुरु जी का आशीर्वाद भी ले लूं। तब वो अपने गुरु जी के आश्रम में जाता है उनका आशीर्वाद लेने के लिए। जैसे ही वो अपने गुरु जी के आश्रम में पहुंचता है तो उनके पास कुछ शिष्य बैठे होते हैं, तो वो जाकर अपने गुरु जी से बोलता है, गुरुवर आज मेरे जीवन का आखिरी दिन है, आप मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। तब गुरु वह कहते हैं, पुत्र मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, अब तुम बताओ कि जो पिछले 7 दिन मैंने तुम्हें कहा था तुम्हारे 7 दिन कैसे बीते। वो कहता है कि तुमने, गुरु वह कहते हैं कि कहीं तुमने किसी पर क्रोध तो नहीं किया, तुम्हें कोई गलत भाव तो नहीं आया, किसी को तुमने बुरा तो नहीं कहा। तो वो कहता है कि नहीं गुरुवर, मेरे पास ही केवल 7 दिन थे, तो भला मैं किसी को भला बुरा तो कहने में ये 7 दिन कैसे गवा सकता था, इसीलिए मैंने किसी को भी भला बुरा नहीं कहा और अपने प्रेम से ही ये दिन बिताए। मैं सभी के साथ अच्छा व्यवहार करता था, सबसे प्रेम से बात करता था और जिनको भी मैंने भला बुरा कहा था उन सबसे मैंने क्षमा मांग ली थी। तो तब गुरुवर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, यही तो है मेरे अच्छे व्यवहार का रहस्य कि मुझे पता है कि 1 महीने मेरी मृत्यु निश्चित है, इसीलिए मैं हर व्यक्ति से सभी से हर समय प्रेम से बात करता हूँ और यही मेरे अच्छे व्यवहार का रहस्य है। तभी शिष्य समझ जाता है कि मेरे गुरुवर ने इतना महत्वपूर्ण पाठ, जीवन का इतना महत्वपूर्ण पाठ समझाने के लिए मुझे मृत्यु का भय दिखाया था। तब वह शिष्य अपने गुरुवर की पूरी बातों को समझ जाता है। तो इसी प्रकार हमें शिक्षा मिलती है कि हमारे गुरुवर जो भी हमें सिखाए उसे हमें न केवल ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए बल्कि उसे अपने जीवन में भी उतारना चाहिए, क्योंकि हमारे गुरु की बताई हुई हर बात हमारे लिए भगवान की बताई हुई बात के बराबर होती है और हमारे लिए वरदान साबित होती है, जो कि हमारे जीवन को साकार बनाने में पूर्णतः समर्थ है। इसी के साथ तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रतिदेवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सर्वग्रहात् बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम। जोर से बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम। सर्वप्रथम मेरे गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरणों कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर सत्य श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त
वैष्णव वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। हम लोग पहले श्रवण कर रहे थे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने दो व्यक्तियों को भक्ति की प्रचार करने के लिए घर घर में उन्होंने भेजा, बोले हर घर घर में जाओ और अपना झोली पसार करके सबसे भिक्षा मांगो। बोले किस चीज़ की भिक्षा? बोले चावल रोटी पैसा की भिक्षा नहीं, भगवान की प्रेम की भिक्षा, भक्ति की भिक्षा मांगो। इसलिए उन्होंने दो व्यक्ति को भेजा था। कितने व्यक्तियों को? दो व्यक्ति। किसको किसको? नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर को। इसलिए हम लोग ने उसका क्यों, उन्होंने ये दोनों को क्यों भेजा, इसका क्या रहस्य है, इसको रहस्य प्रभुपाद ने इसका चार कारण बताया था। हम लोगों ने इसका पहले दो कारण सुना था। किसको याद है दो कारण क्या है? उन्होंने नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को क्यों भेजा, उनका तो बहुत भक्त थे। क्या मैंने दो कारण बताया था? कुछ बोल सकता है हम लोग? और बोले हाथ उठा, बोलो किसको याद है? याद है। और किसको याद है? इसलिए कापी पेन लेकर बैठना है, ठीक है? इसलिए कापी पेन लेकर बैठना और हर चीज को याद करना। इसलिए तो प्रचार के सिर्फ माला रख देना, जब गुरुदेव कथा करते हैं माला नहीं जप देनी चाहिए, माला रख देनी चाहिए। नियम है अगर तुमसे कोई जूनियर कथा करता है तभी कर सकते हो, लेकिन हमसे अगर कोई सीनियर कथा करता है वो कथा ही माला जप है। भगवान कथा सुनना ही, ध्यान से कथा सुनना ही, यही माला जप। इसलिए आपसे प्रश्न करता हूँ उत्तर नहीं दे पा रहे, क्यों कथा नहीं सुन रहे थे, नोट भी नहीं कर रहे थे, इसलिए उत्तर नहीं दे पा रहे। इसलिए बस बताओ, बोलो। हाँ मैंने जो बताया था वो बात है, फिर काफी मैंने कहा है इसको लिख कर रखा। हाँ बताओ उनको क्या बोल रहे, तुम बोलो मेरे को, बोलो क्या कारण? नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर जी को इसलिए भेजा क्योंकि जो नित्यानंद प्रभु जी थे वे थे सबसे उच्च कोटि के ब्राह्मण और जो हरिदास ठाकुर जी सबसे निम्न कोटि के। अगर वे सिर्फ हरिदास ठाकुर जी को भेजते तो सिर्फ निम्न लोगों के, निम्न कोटि के ही या निम्न जाति के लोग ही भक्ति की तरफ आते। वे कहते हैं सिर्फ छोटे लोगों का ही काम है, बड़े लोग कोई भी नहीं आते। इसलिए उन्होंने ये सोच लिया कि दो कोई भी ना रहे, छोटे बड़ो सभी भक्ति करें। इसलिए उन्होंने दोनों तरह के लोग भेजे, जो ब्राह्मण कोटि में सबसे उच्च कोटि के थे उनसे ऊपर कोई नहीं था और निम्न कोटि में सबसे छोटे जाति थे हरिदास ठाकुर जी। यवन में जब यवन कुल में उत्पन्न हुए थे परंतु स्वयं ब्रह्मा जी के अवतार थे, उनको वाणी का प्रभाव तो पूरा पड़ नहीं था, तो इसलिए उन्होंने नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जी को उनको भेजा जिससे सभी लोग भक्ति की तरफ अग्रसर हो चुके। ये कारण था। दूसरा कारण कौन बोलेगा? ब्रह्मांड के मालिक जगत पिता हैं, तो जैसे पिता का कर्तव्य होता है अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करना, उनका कल्याण करना। इसका दूसरा कारण बता रहे हैं कि जैसे ना ब्रह्मा जी जो है ना वो सामान्य नहीं है, वो कौन है इस जगत के सृष्टि करता है और उन्हीं से उन्होंने ही पूरे जगत की सृष्टि की है, तो हम उनके सब बच्चे हैं। तो एक जैसे पिता का कर्तव्य होता है अपने बच्चों को सही शिक्षाएं प्रदान करके उनका कल्याण करना, तो हम भी जीव हैं, तो ब्रह्मा जी का भी यही कर्तव्य है कि मतलब वो भी हम सब जो बद जीव हैं हमारे कल्याण के लिए सही शिक्षाओं का प्रचार और प्रसार करें इस जगत में। और नित्यानंद प्रभु जो है वो साधारण नहीं है, वो इस पूरे ब्रह्मांड के संचालन करता है, अखंड गुरु तत्व विद्यमान है उनके अंदर, तो वो भी सामान्य नहीं है। तो जैसे कि हम किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के आचरण को देख करके उसका आचरण करते हैं, तो उन्होंने वो भी कोई सामान्य नहीं है, वो पूरे जगत के पिता है, तो उनसे हमें शिक्षाएं प्रदान करेंगे, मतलब इसमें कोई संशय ना रहे। हरे कृष्णा। इसलिए इसमें ये दो कारण था। पहला कारण क्या था? पहला कारण था इसलिए उन्होंने
हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु भेजे, सब याद रखना सबके सब। हम चाहते हैं आप लोग सब भक्ति की प्रचार करें, हैं, हम चाहते हैं पूरा बढ़ो तो भगवान का भक्त बन जाए, ठीक है ना। इसलिए आप ये मत समझा हम लेडी से हैं, हम क्या बोलेंगे, ये नहीं, ठीक है। इसलिए पहला कारण था, इसलिए छोटे से छोटे जाति कहते श्री हरिदास ठाकुर मुसलमान कुल में जन्म हुए और नित्यानंद प्रभु उच्च ब्राह्मण घर में जन्म हुए, इसलिए दो व्यक्ति को उन्होंने भेजा। भगवान की भक्ति में सबका अधिकार है, ये कोई नहीं सोचे नहीं केवल ब्राह्मण ही भगवान की भक्ति कर सकते हैं, वैश्य क्षत्रिय शूद्र भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, बोले नहीं ऐसे नहीं, भगवान की भक्ति में सबका अधिकार, सब प्रभु का भक्ति कर सकते हैं, छोटे से छोटे व्यक्ति भी कर सकते हैं और बड़े से बड़े व्यक्ति भी भजन कर सकते हैं। इसलिए आप रामलीला में देखो, बंदर जैसे हनुमान जैसे बंदर, गुहक चंडा, निषाद राजा हैं, कहते श्री विभीषण राक्षस घर में, सुग्रीव बंदर जाति में, सबरी सबरी जाति में, लेकिन प्रभु का राम का कृपा सबको ऊपर मिली, ये सबके सब भगवान की भजन किए हैं और बड़े से बड़े व्यक्ति भी भगवान के नाम के भक्त बने। इसलिए छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सबके सब भगवान की भक्ति में अधिकार है। इसलिए जात पात कुछ ना कोई, हरि का भजा सो हरि का हो, जो भगवान की भक्ति करते तो भगवान को बन जाता है। इसलिए ये पहला कारण। दूसरा कारण था ब्रह्मा जी जगत का सृष्टि करता, एक ब्रह्मांड का सृष्टि करता, और श्री नित्यानंद प्रभु बलदेव है, कदि अनंत करोड़ ब्रह्मांड का सृष्टि करता नित्यानंद प्रभु, इसलिए ये दोनों ही जगत का सृष्टि करता। नियम है बच्चों को जब जन्म देते हो, कर्तव्य है पिता माता का, बच्चों को लिखा पढ़ा सिखाओ, उनका हो न हर बनाओ, उसको बढ़िया बनाओ। केवल बच्चों को जन्म दे देना सब कुछ नहीं है, लेकिन ये जगत का तो लिखा पढ़ा सिखाओ, लेकिन उसको साथ साथ में क्या करो, इनको भगवान की भक्ति भी सिखाओ, उनको जगत का लिखा पढ़ा को साथ साथ में भगवान की भजन भी इनको सिखानी चाहिए, भगवान की भक्ति भी बच्चों को करानी चाहिए। इसलिए हम श्रवण कर रहे थे, गुरु न सस्यात् सो जननी न सस्यात् पिता न सस्यात् दैवम न तत्सारणम न पतिम सस्यात् न वचेत जह समपेत मृत्यु। हम जो पुनर्वार पुनर्वार ये जन्म मृत्यु का चक्कर में पड़े हुए, जन्म मृत्यु की चक्कर में पड़े हुए, अगर ये जन्म मृत्यु का चक्कर से अगर हम कोई उद्धार नहीं कर सके, कहते तो वो पिता पिता नहीं, वो भाई भाई नहीं, वो बंधु बंधु नहीं, वो गुरु गुरु नहीं, वो देवता देवता नहीं है। इसलिए कहते सही से परम बंधु सही पिता माता, वास्तव रूप में हमारी असली पिता माता बंधु कौन है, जो हमें भगवान की भजन में शिक्षा दे, प्रभु की भक्ति की तरफ में हमें चलाए। अगर हमें कोई भक्ति की तरफ में नहीं चलाए ना, मीरा का नाम सुने हो, कौन कौन मीरा का नाम सुने हो, सब मीरा का नाम सुने हो। जब ये भजन कर रही थी तो उनका पूरा परिवार प्रतिकूल था, उनका सास ननद देवर जेठ, अब यहाँ तक भी पूरा राज्य उसकी विरोध हो गए थे, बोले ये क्या राज घराने की होकर के संतों के बीच में बैठ कर हरी बोल करती है, कहाँ ये राज घराने की, वो तो आप और हमारी जैसे साधारण घर की और नहीं थी, वो तो राणा की पत्नी थी ना, राज रानी थी ना, हैं राज रानी थी, लेकिन संतों के बीच में बैठ कर कीर्तन करती थी, कथा सुनती थी, कभी तो हमारी बदनामी हो रही है, हैं ये साधु साथ में कैसे बैठता है, लेकिन ये दुनिया ऐसे है ना, कोई संतों के बीच में बैठे दो भले ये तो हमारे बच्चे बिगड़ नहीं जाए हमारे, लेकिन कोई शराबियों के साथ में बैठना जुआरी का बोले वेरी गुड बच्चा बड़ा एडवांस हो रहा है, सिगरेट पी रहा है ना, दारू पी रहे हैं, बड़ा ये दुनिया बड़ा विचित्र दुनिया है, लेकिन अगर संतों के बीच में बैठे प्रभु कथा सुने भक्ति करे मेरा बच्चा बिगड़ नहीं जाए, मेरा बच्चा बिगड़ नहीं जाए, बड़ा दुनिया बड़ा विचित्र है। इसलिए मीरा के साथ में यही हुई है, इसलिए ये संतों को साथ में बैठ कर कीर्तन करते झूमती थी भजन करती थी, बोले हमारी बदनामी हो जाएगी, कहाँ राज घराने की राज रानी होकर के संतों के बीच में बैठती, इसलिए उनका पूरा परिवार उनका विरोध हो गए, पूरा परिवार विरोध हो गए। तो उन्होंने श्री तुलसीदास को पास में के पत्र लिखे, बोले अभी हमको क्या करनी चाहिए, कोई भी हमें भजन में मदद नहीं कर रहे, सब विरोध है। तो तुलसीदास जी एक पत्र लिख दिया,
ये पत्र में बोले बोले जिनके प्रिय ना राम वैदेही तजी कोटि बैर समझद्यपि परमश नहीं। भले ही वो व्यक्ति जितने तुम्हारी प्रिय पात्र क्यों नहीं हो, स्नेह की पात्र क्यों नहीं हो, अगर हमारे जिनके प्रिय ना राम वैदेही, मतलब राम और सीता जिनके प्रिय नहीं, उनको त्याग दे। तब उन्होंने पूछा कोई प्रमाण है, तब उन्होंने उदाहरण दिया, बोले तेजत पिता प्रहलाद। प्रहलाद ने अपना पिता को त्याग दिया, क्यों? वो भजन करता था, पिता विरोध करता था, पिता उसका विरोध करता था, हैं, इसलिए उन्होंने पिताजी को त्याग दिया। कहते प्रहलाद महाराज पिताजी को, बोले बलि, बोले गुरु को त्याग नहीं देनी चाहिए, लेकिन त्याग दे दिया, क्यों? जिसने भगवान की भक्ति में विरोध किया। बोले नहीं, ये साक्षात भगवान हरि है, खबरदार इनको दान मत दिया करो, इनको अगर दान दे दोगे ना, ये दो पग तीन पग नहीं, ये त्रिभुवन का राज्य ले लेंगे, फिर मेरे को तो कुछ मिलेगा नहीं, हैं, इसलिए उन्होंने बाधा दी, इसलिए उन्होंने उनको त्याग दी, क्यों? जो प्रभु के भजन में बाधा देते हैं, हैं। फिर विभीषण ने किसको त्याग दिया? बोले अपना भाई रावण को उन्होंने त्याग दिया। बोले क्यों त्याग दिया? विभीषण ने रावण को समझाया, बोले देखो ये जो सीता है ना, ये जो सीता है ये साधारण नहीं, ये जगत जननी ये सीता है, साक्षात लक्ष्मी ठाकुरानी ये सीता, इसलिए हम कुलस्थ के वंशधर हैं, हमारा कर्तव्य नहीं पराई स्त्रियों को उठा करके ले आना, ये हमारी कर्तव्य नहीं, जब माता सीता को वापस दे कर खाओ। रावण को क्रोध आया, बोले मेरे को कह रहे हो, उपदेश दे रहे हो, ओ मारा लात, किसको? विभीषण को। इतने में विभीषण ने लुढ़कते 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 नीचे गिरा और अपना मुकुट रख करके प्रभु राम की शरण में आए। जब राम की शरण में आए, इतने में प्रभु राम उसको राज तिलक लगा दिया, क्या किया उनको? राज तिलक लगा दिया, बोले आज से तू लंका का राजा हो। वहाँ पर हनुमान जी थे, वहाँ पर श्री हैं हनुमान जी थे, बोले प्रभु आप क्या कर रहे हो? वहाँ पर हनुमान जी थे, बोले प्रभु आप क्या कर रहे हो? अभी तक रावण को मारा ही नहीं, उसको पहले ही आपने राज तिलक लगा दिया, बोल दिया लंका का राजा। अगर 1% उसका बुद्धि बदल गया, अगर रावण आपका शरण में आ जाता है, रावण आ गया अब तो राजा उसको बना दिया लंका का, फिर आप क्या करोगे? फिर ये रावण को क्या दोगे? बोले रावण को, बोले मैं अपना अयोध्या दे दूंगा। बोले तो अयोध्या के राजा बन गया, क्योंकि मैंने विभीषण को राजा बना दिया लंका की। बोले अयोध्या का राजा बना दो तो फिर आप कहाँ जाओगे, हैं? फिर वहाँ पर भरत को तो राजगद्दी देकर के आए ना, 14 साल की उम्र में भरत को देकर के आए। बोले अगर बना दोगे उसको राजा, किसको? रावण को। फिर भरत को क्या दोगे? बोले भरत को तो मैं अपना गोलोक, अपना सांकेत धाम दे दूंगा, वैकुंठ दे दूंगा। बोले रावण को दे दिया अयोध्या, और विभीषण को दे दिया लंका, भरत को दे दिया वैकुंठ धाम, फिर आप कहाँ रहोगे? आपके लिए तो स्थान होनी चाहिए। बोले मेरे लिए कोई स्थान की जरूरत नहीं, मेरा तो भक्तों का हृदय ही मेरा स्थान, भक्तों का हृदय ही मेरा स्थान है, इसलिए मेरे को किसी चीज़ की जरूरत नहीं। इसलिए उन्होंने अपना भाई को त्याग दिया, तभी तो उन्होंने भगवान मिले, अगर त्याग नहीं देते तो भगवान ही नहीं मिलता, दुनिया ही मिलता है। इसलिए बोले गोपियों ने अपना पतियों को त्याग दे दिया है, इसलिए ब्राह्मण जो मथुरा में जो ब्राह्मणी थे, उन्होंने अपना परिवार को पति को त्याग दिया उन लोगों ने। इसलिए यहाँ पर उदाहरण देते हैं, देखो इन लोगों ने भगवान की भक्ति के लिए उन्होंने सब दुनिया को त्याग दिया, तभी इनको ठाकुर जी मिले। इसलिए कोई चिंता मत करो। इसलिए उन्होंने नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर को उन्होंने द्वार द्वार में भेजे, बोले जाओ द्वार द्वार में जा करके भगवान की भक्ति की प्रभु का प्रेम की भिक्षाओं को लेकर के आओ, हैं? इसलिए क्यों जगत का दोनों पिता उनका कर्तव्य है, बच्चों को जब जन्म दिया उनको भी प्रभु की भक्ति की शिक्षा देना तुम्हारी कर्तव्य है। ये दो कारण सुने थे। इसका तीसरा कारण बोले घर घर में जाकर भिक्षा मांगना। जब कोई व्यक्ति भिक्षा मांगता है ना, देखना उनका हाथ नीचा रहता है, मांगते हैं ना, और जो देने वाले होते हैं वो ऐसे देते हैं, देने वाला का हाथ ऊंचा रहता है और लेने का वाले का हाथ
नीचा रहता है, इसलिए ये दोनों को भेजा, बोले भिक्षा मांगो। लेकिन भिक्षा मांगेंगे लेकिन ये दोनों कोई साधारण नहीं थे, एक तो स्वयं पितामह ब्रह्मा जो जगत को उन्होंने सृष्टि किया है, जगत को उन्होंने सृष्टि किया, जगत को तो एक साधारण नहीं, एक तो ब्रह्मा और दूसरे कौन, बलदेव प्रभु नित्यानंद प्रभु, ये कौन, बोले अनंत करोड़ों ब्रह्मांड का ये सृष्टि करता, एक तो एक ब्रह्मांड का सृष्टि करता और ये व्यक्ति अनंत करोड़ों ब्रह्मांड का सृष्टि करता है, दोनों विश्व ब्रह्मांड का सृष्टि करता। जैसे हमारे दरबार में कोई भिखारी भीख मांगना आता है, हम थोड़ी सी उसको चून चून दे देते, थोड़ा आटा दे देते, थोड़ा पैसा दे देते, थोड़ा सब्जी नहीं तो कोई फल दे देते ना हमको। अगर कोई घर में कोई भिक्षा मांगने आते, भीख मांगने, हम छोटे साधारण व्यक्ति इसलिए छोटे मोटे चीज दे देते हैं, हैं, लेकिन ये दोनों तो कोई छोटे मोटे व्यक्ति है ही नहीं, ये तो अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड का मालिक है। जो व्यक्ति जितना बड़ा व्यक्ति होगा ना उसको उतना बड़ा भिक्षा देना पड़ेगा, कोई साधारण व्यक्ति होगा तो उसको तो आटा चून फून दे दिया, लेकिन तुम्हारे घर में कोई बहुत बड़ी मोदी आ जाए भिक्षा मांगने के लिए, इसलिए अगर योगी आ जाए भिक्षा मांगने के लिए, वो जितना बड़ा व्यक्ति उतना बड़ा भिक्षा देना पड़ेगा ना उसको, इसलिए ये दोनों तो बहुत बड़े भिक्षा, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं इन्होंने ये कोई साधारण भिक्षा आटा चूर नमक तेल और पैसे मांगने नहीं आए, इन लोगों ने बहुत बड़ी एक भिक्षा मांगने के लिए आए। क्या भिक्षा है, बोले भगवान का नाम की भिक्षा, भगवान की नाम की भिक्षा, क्यों, हरि से बड़ा हरि का नाम है, इसलिए उन्होंने प्रभु का छोटे मोटे चीज नहीं, इसलिए बोलो कृष्ण ये भिक्षा मांगे। बोले भैया अगर बोलना तो कृष्ण का नाम, इधर उधर का बात मत करो, बैठ कर गप्पे मत मत, इधर उधर की कोई बात मत करो, बोलो तो कृष्ण ही बोलो। बोले कृष्ण बोलने से क्या होगा, कृष्ण बोलने से क्या होगा, तो महाप्रभु कहते हैं अगर कृष्ण बोलोगे ना तुमको सात चीज की प्राप्ति होगी। कितना चीज मिलेगा, क्या क्या, इसलिए कहते अगर तुम कृष्ण बोलोगे तुमको सात चीजें मिलेगा। तो भगवान कहते बोले चेत दर्पण मार्जनम, पहला लाभ है तुम्हारी जो चित्तरूपी जो दर्पण है, जैसे शीशा, अगर शीशा के ऊपर धूप जम जाए, अगर उसमें मुंह देखो ना दिखाई नहीं पड़ता है, फिर क्या करो उसको साफ करोगे, जैसे तुम्हारी कपड़े में जैसे गंदा हो जाता है, हम साबुन नहीं तो सोडा देकर साफ करते ना, साबुन सर्फ देकर साफ करते हैं, अगर कपड़ा तो गंदा हो गया उसमें साबुन और सोडा देकर साफ किया, लेकिन तुम्हारी जो दिल जो गंदा हो गया, हमारी जो हृदय गंदा हो गया, फिर उसको कैसे साफ करोगे भैया, ये साबुन और सोडा ये काम नहीं करेगा, सर्फ काम नहीं करेगा। कहते अगर दिल को साफ करना चाहते हो एक चीज ये क्या है, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, जोर से बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कहते भगवान का नाम, जितना ठाकुर का नाम जप करोगे उतना तुम्हारे हृदय उतना साफ हो रहा है, इसलिए हरिनाम नहीं कर रहे हो, अपना दिल को साफ कर रहे हो सब के सब हैं, इसलिए ये पहला काम। दूसरा काम बोले भव महाताभाग्नि निर्वापन, ये संसार का जो दुख है सब दुख तुम्हारी दूर हो जाए, कौन कह रही है, भगवान कह रही, भगवान संसार का सारे दुख तुम्हारी दूर हो जाएगी है, कोई तन से दुखी, मन से दुखी, धन से दुखी, परिवार से दुखी, पड़ोसी से, जितने तुम्हारी दुख है सब दुख तुम्हारी खत्म हो जाएगी, अपना दुख तो जाएगा दूसरा का दुख भी खत्म कर दो। कहते ना हनुमान के महावीर जब नाम सुना वे भूत पिशाच निकट नहीं आ, हनुमान जी राम का नाम लेता है, अपना दुख तो गया और दूसरा का दुख भी दूर कर देते हैं, इसलिए भगवान का नाम से कहते भव महादावाग्नि, मतलब क्या है, जैसे कहीं साधारण जगह पर आग लग जाए वहाँ पर पानी देकर फायर ब्रिगेड देकर बुझा दोगे, लेकिन अगर जंगल में कहीं आग लगता है ना, हैं जंगल में कहीं अफ्रीका पाकिस्तान में वहाँ बड़े बड़े जंगल है, वहाँ पर जब आग लग जाती है कैसे अपने आप पेड़ में पेड़ घिस घिस करके आग लग जाती है, वो कोई फायर ब्रिगेड काम नहीं करेगा वहाँ पर, वो तभी काम करेगा अगर बड़ी तेज़ी से बारिश होगी ना, धुम तड़का
बारिश होगा तभी वो आग बुझ सकते, नहीं तो आग बुझने वाले नहीं। जैसे जंगल में अपने आप घीस घीस करके जैसे लकड़ी में आग लग जाती है, उसी तरह देखना हमारा संसार में भी किसने आग नहीं लगाता है, खुद खुद आग लगा देते हैं। कोई तुमको आग लगाने के लिए नहीं आते हैं संसार में। जो भव महाभव मतलब हो ना जन्म मृत्यु हैं, इसलिए कोई हमें आग लगाने नहीं आता है, हम खुद खुद ही आग लगा देते हैं। मतलब क्या है, भाई भाई में लड़ाई, बहू बहू में लड़ाई हो जाता है, बेटा पिता में, सास बहू में, बिना कारण से अपना घर घर में आग लगा देते हैं। कोई बाहर से आकर आग नहीं लगाता है, क्या होता है, हम अपने आप ही घर घर में अपने आप हम आग लगा देते हैं। इसलिए बोले भव महादावाग्नि, इसको बताइए ये दावाग्नि, ये साधारण आग नहीं, ये बड़ा आग है। लेकिन ये जितने आग मतलब ये आग कैसे हैं, जैसे जन्म लेते हैं फिर मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं फिर मरते हैं, हैं? ये बहुत बड़ी आग लगी, लेकिन ये आग बुझेगी कैसे, बोले हरिनाम से। अगर कभी तुम्हारी जीवन का सारे दुख खत्म हो जाते ना, कैसे होगा, केवल भगवान के नाम से सारे दुख दूर हो जाएगी और किसी को द्वारा नहीं। बोले कैसे, बोले नाम के आभास से, शुद्ध नाम नहीं, शुद्ध नाम से तो कृष्ण प्रेम मिलता है, कृष्ण दर्शन है, केवल नाम की आभास मात्र से। जैसे अजामिली ने, उन्होंने भगवान को नहीं बुलाया था, किसको बुलाया था, अपना बेटे को बुलाया था, हैं? तीन जमदूत आए, उसको देख कर डर गया और बच्चे को देखा दूर में खेलते हुए, बोले बेटा नारायण, बस नारायण, चार अक्षर बोल दिया तो चार विष्णुदूत, बोले माँ भयो माँ भयो, कोई डरने का कोई बात नहीं, हम बचाएंगे, हाँ बचाएंगे। और आए, उन्होंने जमदूतों को मार मार कर भगा दिया, उन्होंने हैं मार मार कर भगा दिया, और इनको उन्होंने बचा दिया, इनको उन्होंने बचा दिया। इसलिए भगवान का नाम अगर किसी तरह से, अगर बेटा का नाम, बेटी का नाम, अपना बच्चों का नाम भी प्रभु का नाम पर प्रकट होगा ना, बस दिन भर अगर प्रभु का नाम लेते रहोगे, इससे ही कल्याण, इससे उद्धार है, नाम आभास से उद्धार हो जाएगी। अगर शुद्ध नाम लोगे तो कृष्ण प्रेम भगवत प्राप्ति हो जाएगी, तुमको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, दर्शन हो जाएगी, प्रेम मिल जाएगा। इसलिए निर्वापनम, निर्वापनम मतलब क्या है कि जैसे कहीं आग लग गई जंगल में, तुमने बुझा दिया, फिर तो दोबारा तो आग लगेगा। जैसे संसार में कोई झगड़ा हुआ शांत हो गया, फिर तो झगड़ा हो जाती है ना, हो जाती कि नहीं, झगड़ा हो गया शांत हो गया फिर झगड़ा हो गया है। लेकिन यहाँ पर कहते निर्वापनम, निर्वापनम मतलब होता है अगर भगवान की नाम शुद्ध नाम को अगर लोगे, निर्वापनम मतलब होता है ऐसे गूंज जाएगी संसार का दुख कष्ट, फिर दो बार वहाँ आग लगने का कोई चांस ही नहीं रही, मतलब दो बार ये दुख आएगी नहीं। भगवान का नाम अगर शुद्ध हरिनाम अगर करेंगे, अपराध को छोड़ करके किसी वैष्णव का निंदा नहीं करेंगे, साधु संतों की गुरु जी का अवमानना नहीं करेंगे, भगवान का नाम की महिमा को कल्पना बुद्धि नहीं करेंगे, शरीर में मैं मेरा भाव नहीं रखेंगे, ये जो अपराध बताया अगर छोड़ कर करोगे ना, कहते चिरकाल के लिए तुम्हारे साथ दुख दूर हो जाएंगे, कोई दुख आएगा नहीं। इसलिए कहते श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण, मतलब उदाहरण दिया जैसे चंद्रमा का किरण पड़ने पर रात में एक कुमुदनी है, हैं? कहते कमल तो सूर्य का किरण से कमल फूल खिलता है, लेकिन जो कुमुदनी फूल है, जो लिली फूल कुमुदनी फूल होता है, आप सरोवर देखे होंगे, जो गांव यहाँ पर तो गांव के कोई रहने वाले हो वहाँ पर देखना होता है ना, पानी में एक फूल होता है, सफ़ेद फूल होता है, नील भी होता है, लेकिन वो चंद्रमा का किरण से वो फूल खिल जाती है। उदाहरण दिया भगवान का नाम कैसे, बोले जैसे चंद्रमा का किरण है, हमारा हृदय कैसे एक फूल है, जैसे वो किरण से फूल खिल जाती हैं, अगर तुम भगवान का नाम लोगे ना, हृदय भी तुम्हारे खिल जाएगी, हर समय तुम प्रसन्न रहोगे, हर समय तुम प्रसन्न। जैसे हनुमान जी प्रभु का नाम लेते हैं, शंकर जी, पार्वती, गणेश, सबके सब प्रभु का नाम लेते हैं, हर समय प्रसन्न रहते हैं, हर समय खुश रहते हैं, हैं? हर समय प्रसन्न रहते हैं। अभी वो बच्ची कथा सुना रहे थे ना, संत से आकर के बोले आप हर समय खुश कैसे रहते हो, हम तो हर समय संसार में दुखी दुखी रहते हैं, आप संसार में खुश कैसे रहते हो, बोले इसलिए खुश रहता हूँ,
हमें पता है कि 7 दिन में मरने वाले, पता नहीं कब मर जाऊँ, इसलिए कब मर जाऊँ कोई ठीक नहीं। इसलिए हर समय क्या करता हूँ, मैं प्रभु का भजन करता रहता हूँ, भगवान की भजन, प्रभु की भक्ति करता हूँ, इसलिए भक्ति से ही खुश रहता हूँ, प्रभु की प्रेम से ही हम खुश रहते हैं, हैं। इसलिए कहते हैं अगर प्रभु का नाम जप करोगे तो तुम्हारे मन खिला हुआ हर समय रहेगा, कभी बुझेगा नहीं, कभी दुख नहीं आएगा, हर समय खिले रहोगे, प्रसन्न रहोगे हर समय, हैं। इसलिए बोलते श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, बोले विद्या वधु जीवनम, कहते विद्या को एक बहू को साथ में उदाहरण दिया है, हैं। कहते ये विद्या रूपी जो बहू है, कहते इसका जीवन किया, बोले प्रभु का नाम, बोले मतलब क्या है, बोले मतलब है सा विद्या जतन मतिर जया, वही विद्या विद्या है, वही पढ़ाई पढ़ाई है, विद मतलब हो जाए जानना। अगर हमने सब, इसलिए मीरा की एक पद है, हैं, कहते सारा दुनिया में क्या जग पढ़ पढ़ भन, ये बना पोथी पढ़ पढ़ जग मोह पंडित बनना भय कोई, ढाई अखर प्रेम से पढ़ा सो पंडित। इसलिए मीरा कहती है असली पंडित कौन है, बास प्रेम जो ढाई अखर है ना प्रभु का, जिसने ये ढाई अखर प्रभु का प्रेम पढ़ लिया वही सचमुच पंडित, सचमुच वही पंडित। अगर प्रभु की भक्ति को पढ़ लिया, प्रभु का प्रेम कर लिया, प्रभु का जैसे हरिनाम कर रहे हो, हैं, जैसे प्रभु का नाम, बस सबसे बड़े पंडित हो तुम। भले किसी ने सारे शास्त्र पढ़ लिया लेकिन प्रभु का नाम नहीं जप करते तो सबसे बड़ा मूर्ख है। लेकिन अनपढ़ हो, कोई भी तुमने पढ़ाई लिखाई नहीं किया, बस केवल प्रभु का नाम जप करते हो, जगत में सबसे बड़ा पंडित। हनुमान जी को देखो, दिन भर रघुपति राघव राजा राम पति तपावन, प्रभु का नाम जप करते हैं, हैं। कहते शंकर जी भी दिन रात प्रभु का नाम ही जप करते हैं, पंचमुखे राम नाम गान त्रिपुरा, मैया देवी भी प्रभु का नाम, सब प्रभु का नाम ही जप करते हैं, हैं। इसलिए कहते हैं विद्या का फल क्या है, जब प्रभु का नाम में तुम्हारी रुचि हो गई, भगवान के नाम तुम्हें अच्छे लगने लग जाए, समझे ना, बस पढ़ाई पढ़ी हमारे सब हो गए, सब तुमने वेद पुराण उपनिषद सब तुम पढ़ लिया, सब तुम्हारी पढ़ाई हो गई, किस चीज़ की बाकी नहीं रह गया, हैं। इसलिए बोले विद्या वधु जीवनम, बोले आनंदम बुद्धि वर्धनम, भगवान के नाम जप करने से, उदाहरण दिया भगवान को जो नाम जो कि अम्बुधि, कि जो प्रभु का नाम एक समुद्र है, हैं, ये एक अमृत एक समुद्र है। कहते जैसे जैसे कि चिड़िया है, आकाश अथा है, अथा आकाश, एक चिड़िया करते उसको पंख में जितने ताकत हो ना, उड़ते रहो, क्यों आकाश का कोई ख़त्म नहीं, जितना पंख में ताकत तुम उड़ते रहो, उसी तरह प्रभु का जो प्रेम ऐसे की चीज़ है, जितने गोता लगाते रहो, गोता लगाओ उसमें, जितने गोता लगाते रहो उसमें, गोता लगाते रहो, वो आनंद कभी ख़त्म नहीं होने वाले है, इतने आनंद प्रभु का नाम है। लेकिन जगत का आनंद है ना सीमित है, जगत में जो आनंद थोड़ी सी दिखाई पड़ता है, बहू नहीं घर में बहू आ जाए, बहू आते बहू सुध बनती नहीं, झगड़ा, बेटा नहीं बेटा हो गया बेटा बात नहीं सुनता है, हैं। इसलिए पहले शादी से जब नई शादी होता है बड़ा आनंद है, बाद में जब लड़ाई हो जाए, हैं, भले चंद्रमुखी सूर्यमुखी को लड़ाई हो जाए, फिर आप देखना घर में कोई भी चीज़ ना संसार में देखना हर समय के लिए आनंद नहीं देता है, कोई भी चीज़ देख लो हर समय के लिए घर में आनंद, वो हर आनंद तुम्हारी धीरे धीरे, ये आनंद धीरे धीरे तुम्हारी घटेगी, कोई भी आनंद संसार में चिरकाल के लिए तुम्हें आनंद नहीं देगा, खर्च घटेगी। लेकिन कहते जो प्रभु का जो नाम है भैया, ये कम नहीं होने वाले, ये हर समय बढ़ने वाले, हर समय ये बढ़ने वाले, एक दिन ऐसे आएगा संपूर्ण रूप में तुम कृष्ण प्रेम में कृष्ण भक्ति में डूब जाओगे, बस प्रभु की प्रेम में पूरा के पूरा प्रभु का प्रेम में तुम डूब जाओगे, प्रभु का भक्ति प्रेम में। इसलिए यहाँ पर महाप्रभु क्या बोले, उन्होंने हरिदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु का आदेश दिया, क्या दिया, घर घर में प्रभु की भिक्षा मांगो, लेकिन साधारण चीज़ भिक्षा नहीं, किस चीज़ की भिक्षा, कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम की, बोलो कृष्ण और कुछ बोलना नहीं, और कुछ नहीं बोलना। इसलिए भक्त लोग है ना, जब किसको बोलते रहे उसका नाम पकड़े इधर आ जा, नहीं कृष्ण कृष्ण राधे राधे मतलब इधर आ जा, हैं, भोजन करना भैया राधे राधे भोजन कर लो, बैठ जा भैया राधे राधे। महाप्रभु जब गुंडीचा मंदिर मार्जन कर रहे थे,
वहाँ पर कोई बात नहीं करते थे। जब जैसे घड़े में पानी ला करके धो रहे थे गुंडीचा मंदिर मार जाए, इसलिए बोले भैया राधे राधे, जैसे कलसी देता है ना राधे राधे, तुम ले लो उसको राधे राधे, कृष्ण कृष्ण हरि बोल हरि बोल, कृष्ण नाम की इशारा पर सारे काम कर रहे, सारे काम कृष्ण नाम की इशारा पर करते थे। इसलिए बोलो कृष्ण है और भज कृष्ण, भजन करना तो किसको भजन करना, कृष्ण को भजन करना। अगर जीवन में कुछ पाना चाहते हो कृष्ण भक्ति को ही शिक्षा रूप में प्राप्त करो। इसलिए उन्होंने ये हो गया, कितना कारण हो गया, कहते तीसरा कारण हो गया है क्यों नित्यानंद हरिदास ठाकुर को भेजे, समझ गए कि नहीं, तीन कारण याद रह गया है, रह कि नहीं तीन कारण। इसलिए अभी उन्होंने चौथा कारण बताया, ये नित्यानंद हरिदास ठाकुर क्यों भेजे, चौथा कारण बताए। पहला कारण हरिदास ठाकुर कौन है, बोले ये नामाचार्य है, दिन में तीन तीन लाख हरिनाम करते थे, एक लाख तो करते थे जोर जोर से हैं, अब भी जोर जोर से बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे, एक लाख हरिनाम जोर जोर से करते थे। क्यों, सबको कान में जाए, उनको जब पूछा भैया चिल्ला चिल्ला के क्यों हरे कृष्ण बोल रहे हो, हमने सुना मंत्र को मन मन में करते, जोर चिल्ला चिल्ला क्यों करते हो, तो उन्होंने पूछा ये बताओ एक व्यक्ति कमा कर खुद भोजन करता है और एक व्यक्ति कमा करके पूरा परिवार को खिलाता है, बताओ दोनों में बड़ी कौन है, बोले जो परिवार को पाल, बोले उसी तरह जो मन मन में नाम करता है वो अपना कल्याण करता है, लेकिन जब उच्च स्वर से हरिनाम करे, जैसे पशु पक्षी कीड़े मकड़े पशु ये हरिनाम नहीं कर सकते, लेकिन जब हम हरिनाम करते हैं उनका कानन में भी ठाकुर का नाम पड़ता है, पढ़ने पर उनका भी कल्याण होता है। इसलिए बोले जो जब करता है मन मन में उनको जितना लाभ है, जो उच्च स्वर में करता है बोले सौ गुण लाभ लाभ है, सौ गुण। इसलिए रास्ता में चलते चलते ना माला जब करते करते बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, जोर जोर से करना और उच्च स्वर से करने से तीन लाभ है। कहते एक में तो कान में जाएगा जो बोलोगे, और जो बोलोगे एक तो बोलना हो गया कीर्तन, फिर वही जाएगा कान में सुनना हो गया, और जो बोलोगे जो सुनोगे वही हो गया स्मरण करो, वही स्मरण, ये तीन काम हो गया है, ये तीन काम हो गया भगवान नाम करने से। इसलिए तीन लाख और एक लाख हरिनाम करते थे, कम से कम अपना कान तक तो सुनाई पड़े, अपना कान तक तो सुनाई पड़े, और एक लाख हरिनाम मन मन में करते थे, तीन लाख हरिनाम करते थे। इसलिए महाप्रभु इनका नाम रखा नामाचार्य, मतलब नाम का ये आचार्य गुरु है हैं। अगर किसको शुद्ध नाम करना हरिनाम करना, इनको आदर्श को हमें जीवन में उतारनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए हरिदास ठाकुर इसलिए कहते पहला नंबर क्या, बोले जरूर हरिनाम जप करो, इसलिए दरवाजा दरवाजे में भेजे, अगर हरिनाम जप करोगे सब दुख तुम्हारी दूर हो जाएगी और प्रभु की प्राप्ति होगी। और नित्यानंद प्रभु को भेजा, इनको क्यों भेजा, बोले जो नित्यानंद प्रभु ये अखंड गुरु तत्व, मतलब हमारे जो मूल गुरु है ना ये नित्यानंद प्रभु, ये मूल गुरु श्री नित्यानंद प्रभु। इसलिए कृष्ण की कृष्ण का वाम अंग से राधा रानी प्रकट हुई, और राधा रानी से जितने सखियाँ हैं ललिता विशाखा ये सबके सब प्रकट हुई। राधा रानी कृष्ण सेवा के लिए उन्होंने अकेले, राधा रानी सोच रहे मैं कितना कृष्ण अकेले सेवा करूँगी हैं, अगर यहाँ पर हजार गोपियाँ होगी सबके सब मिल करके सेवा करें अकेला कितना करूँगी। इसलिए राधा रानी अपना एक एक भाव को उन्होंने एक एक गोपियों का मूर्ति दिया और सबके सब मिल करके कृष्ण सेवा करती हैं। इसलिए उनका नाम राधा, राधा मतलब किया, बोले जो हर समय कृष्ण को जो आराधना करती है, कृष्ण की जो पूजा करती हैं। उन्होंने डाहन तरफ से कौन निकले, बोले बलदेव प्रभु, कहती ये निकाल ये बलदेव प्रभु हैं, कहती ये क्या किए, वहाँ से तो जितने सखियाँ प्रकट हुई और यहाँ पर बलदेव प्रभु से कहते कृष्ण अपना सेवा शिक्षा देने के लिए, मुझे तुम सेवा करोगे तो कैसे सेवा करोगे। इसलिए उनका नाम राधा, जो आराधना करती हैं, कृष्ण का ही अभिन्न रूप है। इसलिए कृष्ण के मन में कुछ भी भावना हो ना, अपने आप राधा जी के मन में अपने आप भाव आ जाती है। जैसे शीशा को सामने खड़े हो जाओ, तुम जैसे श्रृंगार करोगे ना, देखना शीशा को सामने खड़ा होगा तो ठीक वैसे दिखेगा,
वैसे दिखोगे ना कि अलग वही दिखोगे, जैसे तुम वैसे ही दिखोगे। तो उसी तरह कृष्ण जैसे हैं राधा जी के हृदय में सबके सब अपने आप प्रकाशित होता है। कृष्ण ये चाह रहे हैं, कृष्ण के मन में इच्छा है, कृष्ण की ये इच्छा, एक कृष्ण की इच्छा जानकर राधा रानी अनंत रूप में सेवा करते हैं। इसलिए श्री बलदेव प्रभु कौन है, कहते हैं कृष्ण की डाहन अंग से प्रकट हुई। प्रकट होकर जितने अवतार, जितने धाम, जितने उनकी परिकर है, सबके सब श्री बलदेव प्रभु से प्रकट हुए। और उन्हें पंच रसों से, पांच रस शांत दास्य सख्य वात्सल्य मधुर, ये पंच रसों से सेवा करते हैं। और दस स्वरूप से, जैसे भगवान की आसन, उनकी छत्र, उनकी सिंहासन, ठाकुर जी की जो चामर व्यंजन करते हैं, ठाकुर जी को जो पादुका है, उनका जो वस्त्र अलंकार, जो कुछ कृष्ण सेवा में देखते हो, ये कौन है, ये बलदेव प्रभु ने ही प्रकट सेवा करते हैं। इसलिए दस शरीर से, इसलिए बलदेव प्रभु कर रहे हैं क्या, कृष्ण से अभिन्न होकर के कृष्ण की सेवा करते हैं, कृष्ण की सेवा सिखिया। इसलिए उनको बताया अखंड गुरु तत्व, मतलब नित्यानंद प्रभु मूल वस्तु है, जो कृष्ण सेवा की सिखिया देते हैं। और जो जो गुरु परंपरा हमारी आई है, हम कहते हैं ये नित्यानंद प्रभु का प्रकाश, मतलब क्या है, जैसे श्री नित्यानंद प्रभु बलदेव प्रभु दिन रात कृष्ण सेवा करते हैं, जगन्नाथ जी की सेवा करते हैं, हमारे गुरुदेव भी क्या करते हैं, उनका ही फॉलो करते हुए हर समय उनके नाम कीर्तन भजन और उनकी सेवा में ही गुरुदेव लगे रहते हैं। इसलिए गुरुदेव को, नित्यानंद प्रभु को अखंड गुरु तत्व बताया गया। इसलिए उन्होंने नित्यानंद प्रभु को इसलिए भेजा, उन्होंने इसलिए भेजे, बोले प्रथम अंत गुरु पूज्यम ततश्चैव ममार्चनम कुर्वन सिद्धिम आपनोति जन्यथा निष्फल भवे। कहते ना गुरु गोविंद दो पड़े इसके लाग पाऊँ बलिहारी श्री गुरु जी जो गोविंद दिए। अगर जो गुरु गोविंद खड़े हुए तो सबसे पहले किसको प्रणाम करें, गुरु जी को, उसको बाद में फिर गोविंद को, हैं, क्योंकि जो गोविंद को बाहर में हमें बताने वाले श्री गुरुदेव ही बताने वाले। इसलिए बोले, इसलिए उन्हें नित्यानंद प्रभु इसलिए बोले ये अखंड गुरु तत्व है, जीवन में सबसे पहले हमें गुरु जी की शरण में जाना पड़ेगा, हैं, गुरु जी की शरण में हमें कृष्ण, इसलिए कहते प्रथम अंत गुरु पूज्यम, पहले गुरु जी की पूजा उसके बाद में मेरी पूजा। अगर कोई गुरु पूजा नहीं करते हुए डायरेक्ट अगर मेरी कोई पूजा करे तो उसका पूजा सब निष्फल हो जाता है, उसका पूजा का कोई फल नहीं मिलता है, निष्फल हो जाता है पूजा। इसलिए नित्यानंद प्रभु को भेजे, पहले नित्यानंद प्रभु का शरण में जाओ, गुरु जी की शरण में। जब गुरु जी की शरण में जाएंगे, हमें गुरु जी देंगे क्या, गुरुदेव आपको क्या दिया है, मालाएं तो दिए ना गुरुदेव, मालाएं तो दिए ना, कंठी तिलक मालाएं गुरु किसने दिए, गुरुदेव ने दिया है। ठाकुर का नाम जप करो, प्रभु का नाम से ही तुम्हें शांति सुख और नाम से भगवत प्रेम तुम्हें प्राप्त होगा। इसलिए उन्होंने ये दो व्यक्तियों को दरवाजा दरवाजे में भेजा, भेज करके उन्होंने कृष्ण भक्ति की उन्होंने शिक्षा प्रदान की, ठीक है ना। हाँ, इसलिए आज आप लोग हमारे वो संजय कहाँ गया, ये बना रहे हैं, इसलिए तुम जल्दी जल्दी बुला कर ले। हरे हरे कृष्ण। हाँ देखो, हाँ अब आप लोगों को प्रभु जी आप लोगों को श्लोक सिखा रहे थे, अभी ध्यान देकर सुनो, प्रभु जी आपको श्लोक सिखा रहे थे, क्योंकि हमें हर तत्व पता होनी चाहिए, और दूसरी बात हमें भी भगवान की भक्ति, जैसे नित्यानंद प्रभु महाप्रभु को दरवाजा दरवाजा भेजा ना, इसलिए हमें भी दरवाजा दरवाजा में जा करके प्रभु की भक्ति की भिक्षा हमें भी मांगनी चाहिए। इसलिए जो भिक्षा मांगनी चाहिए, इसलिए भीतर बेसि लाइट जले में कम लाइट मिला, भीतर लाइट कम पड़े, इसलिए हम लोगों को भी सबको भगवान की भक्ति की भिक्षा हमें मांगनी चाहिए। इसलिए आप लोगों को मैंने दो तीन श्लोक दूंगा याद, तीन चार श्लोक दूंगा याद करने के लिए, कोशिश करना जो याद कर सकते हो, जो तुमसे बच्चे लोग जिनका उम्र कम है, कोशिश करना उसको याद करने के लिए। जब किसी व्यक्ति को तुम भगवान की कथा सुनाओगे, फिर क्या तुम कथा सुनाओगे, एक व्यक्ति को कथा क्या सुनाओगे। इसलिए आज मैं एक श्लोक देता हूँ, कोशिश करना ये एक श्लोक को याद करके
आने के लिए कोशिश करना, ये श्लोक को याद करके आना, ठीक है। अगर ये एक श्लोक को तुम अगर व्याख्या करोगे, हमको भक्ति क्यों करनी चाहिए, किस लिए करनी चाहिए, भक्ति करने से क्या होता है, अगर एक श्लोक को व्याख्या करोगे तो बस आपको आसानी से तुम कृष्ण कथा सुना सकते हो। इसलिए आज उस श्लोक में सुनाता हूँ। कहते जो श्लोक है भगवान कृष्ण, भैया तुम क्या कर रहे थे, खाने पीने में लग गया तुम, इसमें पीने में लग गया कथा छोड़ करके, बढ़ जाओ, ये सब पहले काम कर देनी चाहिए, उसमें दिन भर नहीं लगनी चाहिए, आगे आगे बढ़ जाओ। ये गौण मुख्य हो गया, मुख्य गौण हो गया, सामने आओ। इसलिए इसको दो मिनट में बना करा दे, इसे नहीं दिन भर उसको लगता रहो, कल से मैं बना देता हूँ, तुम देख लेना। हरे कृष्ण। हाँ इसलिए, हाँ इसलिए तीन चार श्लोक तुम लोग याद करना। जैसे किसी व्यक्ति को जब हम भगवान की कथा सुनाते हैं, उसको क्या सबसे पहले हम उसको क्या बताएं, क्या बताने चाहिए, क्या बोल कर उनको बोलोगे, भगवान की कथा उनको सिखाओगे, ये श्लोक को कोशिश करना याद कर लेने के लिए, ठीक है। देखो ये कृष्णा, ये श्लोक उद्धव जी को ये श्लोक कह रहे, कल ये श्लोक मेरे को याद कर देना। ये श्लोक है बोले लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुसं भवान्ति मानुष्यम अर्थदम अनित्यपिधिर तृणम जतेत न पतेत अनमृतु जावत निस्रसाय विषय खलु सर्वतस्या। ये श्लोक बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है, इसलिए जितना दूर हो सके कोशिश करना इसको याद करने के लिए। और मैं जितना बोलूँगा मैं देखूँगा कल मेरे को उतना बोल पाते कि नहीं, जो बोल देगा मेरे को मैं जितना बोलूँगा उसको मैं इनाम दूंगा, ठीक है। और इसने डर तुम्हारे आओगे नहीं, तुम्हारा तो कुछ नहीं, नहीं नहीं आओगे तो फिर आकर बैठेगा तो सुनोगे प्रमोद जी, हाँ इधर सामने आओ, सामने आकर बैठो। इसलिए देखो ये श्लोक का मतलब सुन लो, कहते लब्ध्वा, लब्ध्वा मतलब होता है हमें ये मानव शरीर लाभ हुआ है, ये मानव शरीर हमें मिला है। बोले कैसे, ये श्लोक कौन कह रहे हैं, कहते ये श्लोक कौन कह रहे हैं, बोले भगवान खुद कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं, उद्धव जी को, क्योंकि हमको ये लगता है अरे ऐसे तक मानव शरीर हमें टपक टपक करके हम मिल गया, ऐसे मिल गया, भगवान कहते ऐसे तुमको नहीं मिल गया ये मानव शरीर, ऐसे ही मानव शरीर तुमको नहीं मिला, तुमको पता नहीं ये मानव शरीर पाने से पहले तुमको कितने कष्ट उठाना पड़ा, अभी तुमको ये पता नहीं, ये बात मैं तुमको बता रहा हूँ। ये जो मानव शरीर तुमको मिला है लब्ध हुआ, तो जो लाभ हुआ बोले बहुत संभव मानते, बड़े कष्ट से मिला है। देखो कृष्ण जो कह रहे हैं ना, प्रभु राम भी यही एक ही बात बताए, क्यों दोनों तो एक ही है ना, दोनों कोई अलग नहीं। राम भी अयोध्या वासियों को बैठा करके यही कह रहे हैं, बड़े भाग मान सतन पावा और सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। कदे अयोध्या वासियों, ये जो मानव शरीर है ये देवताओं के लिए भी मानव शरीर दुर्लभ है, देवताओं को भी नहीं मिलता है, इतने दुर्लभ है। और भगवान कहते देत इस बिनु हेतु स्नेही, ठाकुर तो कैसे स्नेह करके हमें, कैसे ये मानव शरीर हमें दे दिया, कैसे मिल गया जीवन हमें, बड़ी कृपा से। इसलिए बोले बहुत संभव अंत, मतलब बड़े कष्ट से मिला। बोले बड़े कष्ट से कैसे मिला, इसलिए मनुष्य संहिता में कहते बोले जल जा न बलत स्याणी, कब ये मिला, बोले पानी के अंदर में तुम्हें पहले 9 लाख बार जन्म लेना पड़ा। आप लोग देखना कभी डिस्कवरी देखना, पानी के अंदर में कितने तरह का कीड़े मकोड़े जानवर कितने तरह का है। कदि मानव शरीर लेने पर जैसे से पहले जल जा नव लक्ष्याणी, 9 लाख बार तो तुमको पानी में ही जन्म लेना पड़ा। कहीं बंगाल बिहार उड़ीसा इधर उधर कहीं इधर भी देखना कैसे मछली को खाते हैं। चाइना में एक व्यक्ति मेरे को दिखा रहा था, जानते हो चाइना में कैसे खाते मछली को, एकदम तेल उबलता हुआ तेल, एक उबलता हुआ तेल खौलगा मछली को, ऐसे सर को पकड़ करके यहाँ तक खौलते हुए तेल में, जिंदा खौलते हुए तेल में मछली को ऐसे पकड़ कर रखेंगे, वो पूरा शरीर उबलेगा उसको पूरा, और उसको चम्मच में उसको जो खाते हैं उसको काट काट करके उसको खाएंगे, लेकिन तभी उसको पैसा मिलेगा जब ये खा रहे थे मछली का मुँह क्या होना चाहिए, इसको
मुंह उसको गिरने पड़नी चाहिए तभी पैसा देंगे, पैसा नहीं देंगे। मतलब जिंदा जिंदा मछली को पूरा कैसे पानी में उबा, तेल में पूरा उबलते हुए खौलते हुए तेल में पूरा उसको कैसे खाएंगे, मुंह उसको गिरता हुआ पड़ता हुआ तब उसको काट काट कर खाएंगे तभी पैसा देगा, ना पैसा नहीं देगा। मेरे को उन्होंने एक व्यक्ति में बेंगलोर में गया तो मेरे को दिखाया, बोले महाराज देखो ये कैसे चाइना का लोग कैसे खाते हैं इनको। हमें भी बंगाल में एक मछली होता है सहज में नहीं मरता है, उसको एकदम कढ़ाई में तेल देकर फेंक देते हैं लेकिन वो सच में नहीं मरता, और जो उसका कलची होता है ना ऐसे दबा करके उसको रखते हैं। ये कौन कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं, बोले ये सब जीवन तुमको बिताना पड़ा पहले, ये मत समझो ऐसे ही टपक कहीं पड़े। भगवान कहते तुमका पूर्व जन्म में सारी याद है हमें, कहते स्थावरा लख्य विसती, कहते हैं कहते 20 लाख जन्म तो जो पेड़ पौधा जितने देख रहे हो ना, पेड़ का जीवन कितना कठिन जीवन है, जैसे पानी पेड़ सूख रहा है पानी नहीं मांग सकता है, ठंडी में वैसे खड़ा रहना पड़ता है, हैं साल साल तो कोई अगर टहनियाँ काट लेते हैं क्या कष्ट कितने उसको, कितने पेड़ में भी जान है। कहते त्रिशत लख्यानी पसव, जो जानवर कितना, बोले 30 लाख बार तो तुमको जानवर जन्म लेना पड़ा। अब देखे होंगे बकरी जैसे सीधा टांग को पकड़ कर उतार देते हैं, टांग पकड़ कर उतार देते हैं, हैं चमड़ा उतार देते हैं, बकरी को कैसे काटते हैं, गैया को भी ऐसे मुसलमान लोग ऐसे काटते हैं, बड़े बुरी तरह से उनको मारते हैं ये सब। मुर्गा तो सीधा आप देखोगे ना मुर्गा को कैसे लटका करके पैर बांध करके इसे ले जाते हैं, आप देखे होंगे रास्ता में। कहते ये सब जीवन तुमने बिताया पहले हैं, उसको बिताने के बाद फिर तुमको ये मानव शरीर तभी मिला, ऐसे नहीं मिल गया तुमको मानव शरीर। इसलिए भगवान कहते लब्ध्वा सुदुर्लभम, मतलब ये जो मानव शरीर हमें मिला बड़े कष्ट से मिला है, 84,00,000 ब्रह्म के हमें ये नर तनु देही। इसलिए कहते लब्ध्वा, याद रहेगा ना सबके सब, लब्ध्वा सुदुर्लभ मिदं, कहते केवल दुर्लभ नहीं हैं, कहते सुदुर्लभ, मतलब मानव शरीर बड़ा ही दुर्लभ है भगवान की, जो सर्वश्रेष्ठ जो जन्म है ये मानव शरीर जीवन का सबसे श्रेष्ठ जन्म है भगवान की सृष्टि में। इसलिए प्रभु ने जब सब सृष्टि किया अक्षय तृतीया के दिन, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सब उन्होंने सृष्टि किया, लेकिन भगवान ने देखा ये जो सृष्टि किया है लेकिन ये कोई मेरे भजन नहीं कर सकते, ये कोई मेरी भक्ति नहीं कर सकते, वो मेरे भजन भक्ति नहीं कर सकते हैं, भगवान सैटिस्फाई नहीं हुए मेरे को समझ नहीं सकता। लेकिन जब उन्होंने मानव शरीर दिया ना भगवान को पूर्ण आनंद मिला, ऐसे एक जीवन दिया जो मेरे को समझ सकता है, मेरे नाम ले सकता है। जैसे देखो एक चीज आश्चर्य चीज हमारे अंदर है, आप लोग बताओ तो अभी तक तो कृष्ण तुमको दर्शन दिए हैं, अभी तक तो भगवान राम तुमको दर्शन दिए लेकिन दिए नहीं, लेकिन हमारे हृदय में एक आस है ठाकुर है और एक दिन ठाकुर दर्शन देंगे, है कि नहीं। ये जो चीज जीव का हृदय में ना, ये इंसान का हृदय में और किसी का हृदय में नहीं, भगवान जरूर है जगत में, हम कहते ना उसका इच्छा के बगैर एक पता भी नहीं हिलता है, हैं बोलते हैं ना, क्यों मुझे पता है ठाकुर है जगत में हैं। इसलिए कहते बहु संभवान्ति, बड़ी कष्ट से मानव शरीर मिला है लेकिन ये अनित्य, बड़े कष्ट से मिलाते हैं लेकिन उदाहरण देते हैं, जैसे कमल दल जल जीवन टलमल, जैसे कमल पत्ते के ऊपर में जैसे पानी रखने पर जैसे किसी समय में भी वो पानी गिर सकता है, जैसे पानी का जैसे बुलबुला होता है ना, जैसे हठात बना और ख़त्म हो जाता है, जैसे कमल पत्ते के ऊपर पानी डगमगाता है। इसलिए कोरोना में कितना लोग चले गए, कोरोना में कितने लोग चले गए हैं, इसलिए हमारे पास में कोई गारंटी नहीं कब ये काल आ जाएगा। इसलिए बोले निश्वास है नव विश्वास कदा रुद्ध भविष्यति, ये निश्वास में कोई विश्वास नहीं कब ये बंद हो जाएगा। अब देना कोई व्यक्ति बैठ बैठ कर खत्म है इसलिए बैठ बैठ खत्म हो जाते हैं। इसलिए कहते है तो दुर्लभ है लेकिन अनित्यम, ये नित्य नहीं, किस समय भी हम मर सकते हैं। हमने जो श्वास छोड़ा है कोई बोल सकता है दूसरा श्वास ले पाओ, किसके पास में कोई गारंटी है हम दूसरा श्वास भी ले पाए, कोई बोल सकता है, कोई नहीं बोल सकता है हैं। इसलिए बोले निश्वास नैव विश्वास कदा रुद्ध भविष्यति, इसलिए कहते यद्यपि दुर्लभ है लेकिन ये अनित्यम है। लब्धा सुदुर्लभ मिदम बहु संभवान्ते मानुष्यम अर्थतम अनित्य अभ्यधिर,
इसलिए भक्ति कैसे करनी चाहिए, बोले तृणा। तृणा मतलब जितने जल्दी से जल्दी हो प्रभु का भजन में लग जाओ। हैं, कोई कहते ना, अरे इतना जल्दी क्या भजन करेंगे, हम क्या मर रहे हैं, हैं अभी से प्रभु का भजन करेंगे, हर जब रिटायर्ड लाइफ हो जाएगा, अभी तो बच्चों को बड़ा बनाएंगे, शादीशुदा कराएंगे, जब कोई काम धाम नहीं रह जाएगा, एक दो माला सटका लेंगे, अभी से क्या बोल रहे हो भजन करने के लिए। कहते नहीं भैया, तृणम इतना जल्दी जल्दी क्यों, कल कर सो आज करो और आज कर सो आप, जल्दी जल्दी भजन करो। क्यों, जीवन में कोई विश्वास नहीं, पल में प्रलय होगी। जो लोग करुणा में मरे, कभी सोचे थे हम करुणा में मर जाएंगे, इतने कम उम्र में मर जाएंगे, कभी सोचे थे। एक व्यक्ति हमें जो जिस दिन हम यहाँ आए ना, मैं वृंदावन से एक दो तीन व्यक्ति का मैंने जमुना में अस्थि विसर्जन करके आया हूँ। एक व्यक्ति ने कहा हमने तो 40 लाख रुपया लगा दिया, उनका 50 साल उम्र था, उसको पीछे बचाने के लिए 40 लाख रुपया लगाया, लेकिन हमने उसको बचा नहीं पाया। एक व्यक्ति ने कहा मैंने हमको 15 लाख रुपया लगाया लेकिन बचा। एक व्यक्ति ने कहा बम्बे था, बोले उसको पीछा मैंने 7 लाख रुपया लगाया, लेकिन हम अपना बहन को हमने बचा नहीं सके, हम बचा नहीं सके। इसलिए भैया कब आकर के चोटी पकड़ेगा, काल है ना, हैं, इसलिए कहते ना कोई तीसरा लहरी आएगा, इसलिए जल्दी जल्दी क्या करो, भजन करो और इस संसार से ठाकुर के पास में चले जाओ, फिर दोबारा जगत में आना ही नहीं पड़ जाए। हैं, देखो आ गया ठाकुर, इसलिए आना ही नहीं पड़े। हाँ, इसलिए क्या कहते हैं, बोले विषय खलो सर्वत्र स्यात्। इसलिए जो विषय है, जो संसार का जो विषय भोग है, हम दिन भर क्या करते हैं, 4 काम के लिए। हाँ, आज कथा को यहीं पर रख देते हैं, कल यहाँ से एक श्लोक को कल और थोड़ी सी अच्छी तरह से कल हम इस श्लोक को व्याख्या करके सुनेंगे। अगर एक श्लोक आपने याद कर लिया ना अच्छे तरह से, अब एक श्लोक अगर किसको सुनाओगे तो उसका मन परिवर्तन हो जाएगा। नहीं, सचमुच से भजन करनी चाहिए, ठीक है। ये श्लोक कल हम अच्छे तरह से और उसमें क्या क्या ऐड कर सकते हैं, कैसे उसमें जो करके हम कैसे सुना सकते हैं, ये एक श्लोक कल हम याद ये सुनेंगे अच्छे तरह, ठीक है। और जो कोशिश करना जो याद कर सके याद करने की, जैसे तुम लोग बच्चे लोग हो, हैं, जो बच्चे लोग याद करना चाहे याद कर लेना, और जो बड़े बूढ़े हो याद करना तो माता जी तुम कोशिश करना, तुम टीचर हो तो टीचर हो, जो टीचर लोग हैं कोशिश करना याद करने के लिए, जो लिखे बड़े हो और दूसरे लोग सुनोगे हो, ठीक है। अब लोग बोले सुन लेना अच्छे तरह से याद करना, और तुम कोशिश करना याद करने के लिए, होगा तो इनको इनको ना लब्धवा सुदुर्लभमिदम ये श्लोक उनको व्हाट्सएप कर देना, कल यही श्लोक को याद करके आएंगे बच्चों, ये श्लोक को याद करके आना, ठीक है, ठीक है। ये आपको व्हाट्सएप पर भेज देंगे, इसका मीनिंग और इसकी श्लोक को सिखाने के, और भाइयों के अंदर में बच्चों लोग को तुम तो याद करना ही है, और जो तुम कोशिश करना, तुम भी कोशिश करना, इसलिए जो थोड़ी सी कम उम्र की, ठीक है। प्रमोद प्रभु जी आप भी कोशिश करना इसको याद, बहुत अच्छा श्लोक है। आप लोग तो बहुत पुराने हो गए, लेकिन पुराने तो हो गए लेकिन अभी तो कृष्ण कथा सिखाना नहीं आ रहे, इसलिए हम कोशिश करेंगे 3-4 क्लास आपको देने के लिए, कैसे आप कथा सिखाओ दूसरों को, कथा क्या सुनाओ, ठीक है, ठीक है। वंशा कबूतर जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोपाल जय 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 गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय 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 राधे राधे राधे।
जय श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे जय जय राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 सब ज्यादा ज्यादा पी करके जाओ कम पक्का है।